गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपलीफाई योर ब्यूटी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्किन वाइटनिंग विटामिन सी वाला शॉप। जी हाँ, वो हम किससे बनाएंगे वो दिखाती हूँ मैं। ये क्या है? ऑरेंज पिल। अभी ऑरेंज की बढ़िया सीजन चल रही है और आप क्या कर रहे हो, इसका जूस बना के या तो फिर खा के आप इसे फेंक देते हो कचरे के डिब्बे में। लेकिन इसे भैया फेंको मत, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जितना विटामिन सी ऑरेंज में होता है उनसे कई गुना ज़्यादा इस छिलकों में होता है। तो प्लीज़ इसे थ्रो आउट मत कीजिए, इसे फेंकिए मत, इसे रखिए और इसका अच्छा सा हम एक शॉप बनाएंगे जो आज मैं आपको सिखाऊंगी, वो आप बनाइए। ये शॉप आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को ये ख़त्म कर देगा। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, मैजिकल शॉप। ये आपका मैजिकल शॉप है जो आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है। ये आपके रिंकल्स, ओपन पोर्स जैसी पिंपल्स की समस्या, लेकिन डार्क स्पॉट हो गए, डार्क सर्कल हो गए, ये सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। ये आपकी सारी सन टैन, सन बर्न हो चुका है कहीं पे, डिस्कलरेशन हो चुका है तो वो भी इसे हटा देता है। बहुत ही अच्छा शॉप है, घर पे ही बनाइए और ये नेचुरल हैंडमेड शॉप आप एक बार अगर ज़रूर ट्राई करें। और एक बार अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आप बाहर से शॉप लेना बंद कर देंगे और यही शॉप आप यूज़ करोगे। तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी है बनाना और घर से ही कुछ चीज़ों से बन जाता है जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, तो ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए। अब हम देखते हैं इसकी रेमेडी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रेमेडी। संतरे के छिलके में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो कि हमें किसी भी तरह के एक्नी और पिंपल्स होने से बचाते हैं। ये हमारी स्किन वाइटनिंग करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे विटामिन ए की कैप्सूल। विटामिन ऑयल हमारे स्किन पे ग्लो लाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारे डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट है जो कि हमें सनबर्न होने से बचाता है, प्लस ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। नेक्स्ट हम लेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप कोकोनट ऑयल या तो आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। ये आप ऑप्शनल है, अगर आप आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और हम लेंगे ऐसे मोल्ड, सिलिकॉन मोल्ड आते हैं वो हम लेंगे। तो सबसे पहले हम एक मिक्सचर जार ले लेंगे, उसमें हम ऑरेंज पील है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें हम रख देंगे और फिर इसे ग्राइंड करेंगे बिना पानी के और बिना कुछ मिलाए। सिर्फ हमें इसकी पेस्ट चाहिए ऑरेंज पील की। अब ये ग्राइंड हो चुका है और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। हमें अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करना है। नाउ हम इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेंगे। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। नाउ हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। 1 टेबलस्पून हमने एलोवेरा जेल लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी हमने 1 टेबलस्पून लिया है। अब हम इसमें विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे। एक पूरी कैप्सूल हमें डालनी है। एंड लास्ट हम डालेंगे कुछ ड्रॉप्स, 3 to 4 ड्रॉप्स ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। इससे शॉप में बहुत ही अच्छी एक खुशबू आती है। अब
अब हम इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। नाउ हम सोप बेस के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे पियर्स शॉप, अगर आपके पास सोप बेस है तो आप वो भी ले सकते हैं, या तो फिर कोई भी ग्लिसरीन सोप होगा वो आप ले सकते हैं। अब हम इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे, अच्छी तरह से हम छान लेंगे इसे कि इजीली ग्रेट हो जाता है। हमने एक पूरा सोप ग्रेट कर लिया है कुछ इस तरह, तो रेडी है। नाउ हम एक पैन में पानी लेंगे और उसे गर्म करने के लिए हम रख देंगे। अब एक क्लीन बाउल लेंगे, उसमें हमें ग्रेट किया हुआ शॉप बेस हम उसमें निकाल लेंगे, और जब पानी गर्म होगा तब हम उसमें डबल बॉयलर सिस्टम से हम इसे गर्म करेंगे, इसे पिघलाएंगे पूरा। ये अच्छी तरह से पिघल जाता है, मेल्ट हो जाएगा कुछ ही देर में, ये मेल्ट हो जाएगा इस तरह से। जब पूरा मेल्ट हो जाए ये शॉप, तो उसमें हम डालेंगे हमारा जो मिक्सचर हमने रेडी किया है जो ऑरेंज पील का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अब हम इसमें ये मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। मेक श्योर कि हमें अच्छे से मिक्स करना है इसे, ताकि ये पूरा अच्छे से मिक्स होके एक अच्छा सा शॉप बन जाए। अब हमने मिक्स कर लिया है और ये प्रोसेस हमें बहुत ही जल्दी करनी है क्योंकि ये सोप जम जाता है, इसलिए हमें ये सिलिकॉन मोल्ड्स लेना है। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड्स नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक कंटेनर या आइसक्रीम की डिब्बी या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें निकाल लेंगे इसे। और फिर हम इसमें डीओ स्प्रे कर लेंगे, कोई भी डीओ स्प्रे आप इसमें स्प्रे कर लीजिए ताकि ये बबल्स जो है वो ख़त्म हो जाए और आपको एक अच्छा सा सोप मिले। ये प्रोसेस करने के बाद हमें इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देना है। तो अब हम हमारा सोप रेडी है, तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। इसे डीमोल्ड करना वेरी इजी है, कुछ इस तरह हम डीमोल्ड करके इसे निकाल लेंगे। तो कितना प्यारा सा बन चुका है, देखिए ये आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को मिटा देगा, आपकी स्किन लाइटन कर देगा इसके रेगुलर यूज़ से, आपकी सारी टैनिंग को हटा देगा और आपकी स्किन को स्मूथ एंड सपल बना देगा। तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर आप बार बार बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।